So guys, welcome in the second part of the thyroid hormones production and formation. So in this video, we will discuss the rest of the three steps and the further steps that are performed in the follicles and outside of the follicles. अब फॉलिकल सेल्स तो हमने देख लिए कि कैसे T3 और T4 की फॉर्मेशन फॉलिकल सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है. देन अब हमने देखना है कि हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड T4 इनटू T3. अब T4 की T3 में कन्वर्जन क्यों होगी? T4 क्या कोई कुछ नहीं है जो इसकी फॉर्मेशन हुई है? देन वी विल सी सिक्रीशन, कैसे वो फॉलिकल सेल से सिक्रीट आउट होकर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा. देन इट विल ट्रांसपोर्ट टू योर टारगेट टिश्यू एंड फ्रॉम योर टारगेट टिश्यू इट विल go to your target cell and from your target cell it will perform its function. So let's come towards the goal. First of all, हमने conversion देखनी है. अब conversion हम यहाँ पे करते हैं क्यों है? Basically जो T4 है ना, it has 4 iodine attachments and T3 has 3 iodines. So होता ये है कि this T4 is less potent and has great life period in comparison of T3. काम दोनों का सेम है, लेकिन T3 कम अरसे में अपना फंक्शन बहुत ज्यादा परफॉर्म कर देता है. सो वी कॉल इट हाईली इंपॉर्टेंट इन द कंपैरिजन ऑफ T4. ठीक है ना? अब T3 और T4, अब T4 की इसलिए हम कहते हैं कि T4 इसको T3 में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि लो पोटेंट हाई इंपॉर्टेंट में कन्वर्ट हो जाए और जो हाई इंपॉर्टेंट है जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होगा वो बेटर फंक्शन परफॉर्म करेगा इन कंपेरिजन ऑफ T4 लेस इंपॉर्टेंट एंड दैट हैज लार्ज लाइफ बट इट इज लेस इंपॉर्टेंट. सो इसकी कन्वर्जन हम ब्लड के अंदर करवाते हैं डीआयोडीनेज एंजाइम्स की मदद से. वो T4 में जो एक आयोडीन 4 आयोडीन मौजूद है उनकी डीआयोडीनेज करवा देगा, एक आयोडीन उसमें से रिमूव करवा देगा और आपके पास जो डीआईटी और डीआईटी के दो कॉम्प्लेक्स जुड़े थे वो अब डीआईटी और एमआईटी बन जाएगा और उस दोनों कॉम्प्लेक्स को आप T4 का नाम देते. अब यहाँ पे T4 के पास डीआईटी प्लस डीआईटी था. अब डी आयोडीनेज ने एक आयोडीन फॉर एग्जाम्पल इस डीआईटी में से रिमूव करवा दिया, रिमूव करवाने के बाद ये रह गया एमआईटी. सो इसको आप T3 का नाम देते हैं. सो वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर इन द पार्ट वन व्हाट इज T3 एंड व्हाट इज T4, व्हाई टी एंड 3 एंड व्हाई टी इज 4. सो इसकी डिस्कशन की हियर टू डिस्कस अबाउट कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू द T3. नाउ वी विल सी हाउ इट कैन बी सेक्रेटेड एंड ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट टिश्यू. अब आपके स्टार्टिंग से लेके समरी लेके चलते हैं. आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आया, उसने थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉर्मेशन करवाई. ठीक है ना? अब दिस इज थायराइड ग्लैंड, इमेजिन इट. अब यहाँ पे T3 और T4 के वो वेसिकल्स और वेसिकल्स की ब्रेकडाउन करवा दी लाइसोसोमल एंजाइम्स ने और यहाँ पे अब आपके पास रेस्ट ऑफ द T3 और T4 आपके फॉलिकल सेल्स में मौजूद है. अब जो फॉलिकल सेल्स में T3 और T4 मौजूद है वो बेजल सरफेस जो है वो फॉलिकल सेल्स की वो सरफेस जो ब्लड वेसल्स के साथ अटैच है उसको बेजल सरफेस का नाम देते हैं. दूसरी वो एपिकल सरफेस होती है. सो बेजल सरफेस से इट विल ट्रांसफ्यूज इनटू योर ब्लड वेसल्स. ठीक है ना? अब ब्लड वेसल्स में आपको पता है कि डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है ना? अब यहाँ पे स्पेशली थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन भी होते हैं जिसको आप TBP का नाम देते हैं, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन. अब यहाँ पे एल्ब्यूमिन भी मौजूद होगी, प्री मेच्योर, पोस्ट मेच्योर, प्री प्रो मेच्योर जो एल्ब्यूमिन है उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे. तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जैसे ही T3 और T4 आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आएगी ना, T4 थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन क्या करेगा, जो थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो T4 को अपने साथ अटैच करवा लेगी. सो वी आर इमेजिनिंग इट T4 इन द स्क्वायर फॉर्म. लेकिन जो T3 होगी, जो आपके ब्लड के अंदर मुख्तलिफ जो डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो T3 के कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ जोड़ लें. सो दिस इज T3 बाइंडेड विद एल्ब्यूमिन प्रोटीन एंड दिस इज T4 बाइंडेड विद थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन. अब इन प्रोटीन्स को आप बाउंड T3 और T4 का नाम देते हैं. अब आपके ब्लड के अंदर चार तरह की इसके रिलेटेड प्रोटीन होती है, फ्री T3, फ्री T4, बाउंडेड T3 एंड बाउंडेड T4. अब आपके इस ब्लड के अंदर T3 फ्री फॉर्म में भी मौजूद है और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स बाउंड फॉर्म में मौजूद है. इसको आप फ्री T4 का नाम देंगे, इसको आप बाउंडेड T4 का नाम देंगे. इनके लेवल्स और इनकी नॉर्मल वैल्यूज
आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट होती है, बाउंड्री टी फोर और है, फ्री टी फोर और है। फ्री टी फोर जो आपके ब्लड के अंदर फ्रीली रिमूव करती है, जो बाउंड्री टी फोर है या बाउंड्री टी थ्री है, इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन सच लाइक थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, एल्बुमिन, प्री एल्बुमिन, जो उसके कंपोनेंट्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, वो अटैचमेंट कर लेते हैं टी थ्री और टी फोर के साथ। उसके अलावा डिफरेंट जो आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है, स्टिकी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वो अटैचमेंट करवा लेती हैं, उनको बाउंड कर लेती हैं। अब आ जाते हैं ये ऑल ऑफ दीज, अब ये जो बाउंडेड है दे आर यूजलेस, जो फ्रीली मूवमेंट जो टी थ्री टी फोर है, जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो आपके टारगेट टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। अब ब्लड वेसल जब आपके टारगेट टिश्यू के साथ, टारगेट सेल के साथ कॉइंसाइड करता है, तो आपकी टारगेट सेल के ऊपर सेल वाली जो एक्सटर्नल वॉल होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, टी थ्री और टी फोर कैचर्स जिसे नाम देते हैं। ये कैचर्स क्या करते हैं कि जो टी थ्री है, जो टी फोर है, उनको सेल्स के अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना। अब सेल्स के अंदर आपकी टी फोर भी आ गया और टी थ्री भी आ गया। अब सेल्स के अंदर पता चल गया साइटोप्लाज्म में कि टी थ्री और टी फोर टारगेट सेल में आ गए, ये क्या करेंगे, आने के बाद साइटोसोल में एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। ये रिस्पॉन्स आपके न्यूक्लियस के पास जाएगा और न्यूक्लियस को जाके बताएगा कि टी थ्री टी फोर आ गए, और टी थ्री और टी फोर के आने की वजह से न्यूक्लियस अपने सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से इन सेल्स ने, सेल्स के इस न्यूक्लियस ने आपकी बॉडी को कहा था, रिस्पॉन्ड किया था कि टी थ्री टी फोर बने, उस वो फंक्शन परफॉर्म करवाना स्टार्ट कर देगा। वो अगर उसने कहा था कि हाँ भी मुझे मेटाबॉलिज्म के लिए टी थ्री टी फोर की नीड है, तो टी थ्री और टी फोर के ये सारे स्टेप्स प्रोसीड हुए, कैसे प्रोडक्शन हुई, देन टी थ्री टी फोर आपके सेल्स के अंदर आ गए। सेल्स के अंदर आने के बाद जो आपके न्यूक्लियस है उसको पता चल गया टी थ्री टी फोर आ गई है, रिस्पॉन्स जनरेट होगा, दिस रिस्पॉन्स विल रीडेड बाय योर न्यूक्लियस एंड योर न्यूक्लियस विल स्टार्ट टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेड सेल। सो ये हमने देख लिया कैसे कन्वर्जन होगी, कैसे सिक्रीशन होगी फॉलिकल सेल्स से आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, कैसे यूटिलाइजेशन होगी। सो अब कुछ ऐसे जो टी थ्री है, जो कुछ टी फोर है, कुछ बाउंडेड है, कुछ फ्री, जो आपके सेल्स ने यूटिलाइज नहीं किए, जो एक्स्ट्रा बच गए आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको आप डीआरबीनेज का ही नाम देते हैं, जिसने ये कन्वर्जन करवाई थी। वह एंजाइम क्या करता है, आप मेटाबॉलिज्म की तरफ आ जाते हैं, एक्सक्रीशन की तरफ आ जाते हैं, जो रेस्ट ऑफ द टी थ्री और टी फोर आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन कैसे बॉडी से रिमूव आउट होगी, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीशन को देख रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ब्लड के अंदर टी थ्री और टी फोर एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद थी, अब T3 को हमने इनएक्टिवेट करना है, डीआयोडीनाइज्ड करना है, उसको हमने डीग्रेड करना है, बिकॉज ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस है ना, जिसमें अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं, और उस पेप्टाइड चेन की स्पेसिफिक पेप्टाइड चेन को टायरोसिन अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन को हम T3 T4 में रेफर करते हैं। सो इस एक्टिवेटेड T3 जो T4 है पार्टिकल्स हैं उनको डीएक्टिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीआयोडीनेज एंजाइम, वो डीआयोडीनेज इनको इनएक्टिवेट करेगा। अब इनएक्टिविटी T3 और T4 कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे इनके साथ T3 T4 के साथ कॉन्जुगेशन होना स्टार्ट करवा जाती है, फ्यूजन करवाई जाती है बॉडी के डिफरेंट आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स की, सच लाइक सल्फेट्स जो होते हैं, जो एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन करवाई जाती है या फ्यूजन करवाई जाती है T3 T4 के साथ, और इनको T3SO4 डिफरेंट कंपाउंड्स में, डेरिवेटेड कंपाउंड्स में करवाई के अंदर T3SO4 और T4SO4 प्रेजेंट है, ये आपके ब्लड से आपकी बाइल में रिलीज कर दी जाती है, ठीक है ना। बाइल में आपको पता है सचा डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं वहां पे, जो कि इनकी प्रॉपर डिग्रेडेशन करवा देते हैं, अमाइनो एसिड्स के इस सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करवा देते हैं। सो ब्रेक डाउन के बाद डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बच जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टी थ्री एंड टी फोर प्रोडक्शन, वी हैड डिस्कस्ड डिफरेंट इन द डिटेल इन द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द thyroid hormones production, especially T3 and T4, not calcitonin. We will discuss it in the separate video. So T3 and T4, how they can be produced, how they are responded from your body, how your gland is involved in its formation, how follicle cells deeply produce it from its own cell. Then we will discuss about excretion, how it can be secreted from follicle cells to your blood vessels, from your blood vessels to your target tissue, how your target tissue to your target cell utilize T3 activated form of
थायराइड हार्मोन। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड रेस्ट ऑफ द जितनी भी आपकी ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा बाउंडेड या फ्री जो आपके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा T3 T4 रेस्ट बच जाती है उसको कैसे मेटाबॉलिज्म के बाद कैसे उसकी कैटाबोलाइजेशन की जाती है और कैटाबोलाइजेशन के बाद उनकी ब्रेकडाउन के बाद स्प्लिटिंग के बाद उसको कैसे एक मॉडिफाइड डेरिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे वो डेरिवेटेड फॉर्म आपकी बॉडी के अंदर डीलोड की जाती है, कैसे वो बाइल के अंदर स्क्रिएट करने के बाद बाइल उसको इमल्सिफाई करके प्रॉपर उसकी ब्रेक डाउन कर देती है। I hope you will get something new from this video, guys. This was really deep and important topic that especially asked in your different interviews. Here you have different MCQs are to be discussed from this topic with you guys in different interviews and different discussions. I hope you will get something new from this video. Thank you so much. We will discuss something new in the next video. See you soon, guys. Thank you.